एमएससी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी। आप नो डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 के लिए मैंने कोचिंग भी स्टार्ट की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपको नोट्स बाय करने होते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कोचिंग। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट हम देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। इसमें आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो इंट्रोडक्शन पता होगी, तो ही आप ये चीज़ों को कवर कर पाओगे। हमें बेसिक से एडवांस में जाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन हो गया, इसके टाइप हो गया किसका, सिस्टम का टाइप। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज, तो ये तो बेसिक था, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशन वाली जो चीज़ें हैं वो पक्का ही आती हैं, लेकिन वो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बीएससी में वो मेडिकल करके आए होते हैं, तो वो हमेशा ही ट्राई करें कि आप थ्योरेटिकल पार्ट के साथ जाए। उसके बाद है एंट्रोपी चेंज, जैसे ये चीज़ें उनके लिए बेस्ट हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड उसकी लिमिटेशन भी पूछी जाएगी। तो आपने सेलेक्ट करने हैं टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स आप कर सकते हो कॉन्फिडेंटली वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। जो टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंट नहीं है उसको लास्ट में करो, क्योंकि कभी कभी हम उस टॉपिक को छेड़ लेते हैं, उस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छे से नहीं आता होता, एंड एग्जाम में हम फिर रिग्रेट करते हैं क्योंकि जो टॉपिक आते होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ पर टिक लगा रही हूँ, जैसे गिब्स ड्यू इक्वेशन पक्का ही करनी है अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। उसके बाद है ये वाला इक्वेशन, केमिकल पोटेंशियल एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एंड फ्यूगसिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो चीज़ इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस तो मैंने बताई है कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो एंड डेरिवेशन में अच्छे हो तो ज़रूर अटेम्प्ट करें, लेकिन जो डेरिवेशन में अच्छे नहीं है वो थ्योरेटिकल पार्ट के साथ जाएं। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में हम सबसे पहले मीनिंग, जैसे बेसिक से एडवांस में जाना है तो डेरिवेशन आएगी इसकी, इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। इसमें भी आप ट्राई करें कि रिवीजन ज़्यादा करें, लेकिन जब पेपर आए अटेम्प्ट इसको लास्ट में करें। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है एलएस कपलिंग, आरएस कपलिंग एंड आइगन वैल्यू, लैडर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पॉली एक्सक्लूजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेमिंग जैसे होते हैं ना, जैसे ये स्लेटर कॉन्डन पैरामीटर है, ये पक्का ही आते हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद देख लेते हैं नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स, इसके जो इंट्रोडक्शन एंड पोस्टुलेट्स हो गए, फिर जो ये है ना ऑन सेजर रेसिप्रोकल रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट जो चीज़ें आपने सबसे पहले कवर कर लेनी है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ थ्री कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड कर लो। सबसे पहले जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं उसको टिक लगा के पहले कवर कर लो, टेंशन खत्म हो जाएगी, ये वो आने आने हैं। उसके बाद थोड़े से जो एवरेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज प्रोबेबिलिटी वाले वो कवर करो, जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी वाले वो सबसे लास्ट में कवर करो, ठीक है। एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वैसे ही यूनिट छोटी है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो आपको सारा ही कवर करना है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स हो गए एंड अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल तो बहुत बार आया है, आइगन वैल्यू भी बहुत बार आया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आप सब देखेंगे आपके सबके सिलेबस में होता ही होता है, एंड यहाँ पर भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। 1D बॉक्स में एंड 3D बॉक्स में ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, रिजिड रोटेटर वाला भी आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप पहले टाइम ही कवर कर लो, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले में क्वेश्चन में इसको डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिक लगा देती हूँ लैप्लेशियन ऑपरेटर, ये आपने करने हैं, वैसे सारे करने हैं लेकिन सबसे पहले ये कवर कर लेने, उसके बाद जो रह जाते हैं वो कर लो। अप्रॉक्सीमेट मेथड में वेरिएशन थ्योरम है, पर्टर्बेशन थ्योरी है, एप्लीकेशन है हीलियम एटम की, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों ही करोगे आप। सरफेस केमिस्ट्री में आपने सर्फेक्टेंट सबसे पहले कवर कर लेना है, ठीक है, कि क्या उसकी कैटेगरीज हैं, फिर उसके बाद फिजिस ऑप्शन एंड केमियो ऑप्शन, एंड इसमें भी नेमिंग जो भी चीज़ें आती है वो पक्का ही करोगे। सरफेस केमिस्ट्री की भी यूनिट छोटी होती है तो इसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, सरफेस टेंशन पक्का ही आएगा, रिवर्स मिसाइल भी आएगा, कैपिलरी रिएक्शन भी पक्का ही आएगा, एंड बाकी चीज़ें अभी आप करोगे जैसे ये गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथ्योरम एंड इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी आइडिया ले सकते हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपके इस सिलेबस के साथ मैच करते हैं तो आप टिक लगा लेना, उसको पहले कवर कर लेना। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में बोस एंस्टन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-ड्रिस, लैंग्रेज मेथड इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम पर भी आया था। पार्टीशन फंक्शंस तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में ये सारी यूनिट आ जाती है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी छोटी है यूनिट एंड एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं, उसमें से भी कई बार जो एग्जामिनर है फर्दर क्वेश्चंस बना देते हैं, बट आप
कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सब चीज़ों का आइडिया दे दिया है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं टॉपिक्स को, ठीक है, इन टॉपिक्स के नोट्स भी ले सकते हैं। आई होप आपकी ये वीडियो ने हेल्प की है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड डिटेल में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर।